हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द माय चैनल लाउड सल्लू। मेरा नाम है विवेक राजपूत। मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर ऐसी ही न्यूज़ और अपडेट वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के दो चैंपियंस का शर्मनाक प्रदर्शन। 72 दिन में जीरो टाइटल डिफेंस ट्रिपल एच ने किया नजरअंदाज। देखिए, कुछ ऐसे रेसलर्स भी हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब चल रहा है WWE में। 72 मतलब 72 दिन के अंदर कोई भी मैच नहीं जीते, जीरो टाइटल डिफेंस किया उन्हें ट्रिपल एच ने, किया उन्हें नजरअंदाज कर दिया ट्रिपल एच ने। ऐसे कौन से टू दो सुपरस्टार्स, मतलब एक चैंपियंस कह सकते हैं, ऐसे कौन से दो चैंपियंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा है, क्या चीजें हैं, वो डिटेल से बताने वाला हूँ मैं आप लोग के लिए। मेरे चैनल पर ऐसी ही एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल, एंटरटेनमेंट वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आप लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए बिल्कुल लेटेस्ट और ट्रेंडिंग न्यूज़ प्रोवाइड कर सकूँ, और मैं हमेशा आप लोग के लिए ये करने में भी पूरा सफल रहता हूँ। अगर आपको ऐसी लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियो, न्यूज़ और अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। 2 मिनट लगता है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी न्यूज़ और अपडेट वीडियो मिलती रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ और अपडेट्स मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को के एंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो कि आपको और ज़्यादा आपको इसकी डीपली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एंडिंग तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको सही तरीके से समझ आ सके और न्यूज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिटेल्स में इसकी बात करते हैं, क्या होने वाले, कौन से दो चैंपियंस हैं जिन्हें आज तक कोई मैच नहीं जीता। WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप अभी फिन बैलर और जेडी मैकडाना जो है के पास हैं। उन्हें चैंपियन बने हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका एक भी टाइटल डिफेंस नहीं आया है। इस चीज की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है क्योंकि दो बड़े चैंपियन का इस तरह का शर्मनाक प्रदर्शन किसी ने नहीं सोचा था। फिन बैलर और जेडी मैकडाना ने 24 जून 2024 को डब्ल्यू रॉ के एपिसोड में आर टूथ और द मिज का सामना वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए किया था। इस मुकाबले में लिव मॉर्गन के दखल का फायदा उठाकर बैलर और जेडी ने जीत दर्ज की और नए चैंपियन बन गए। फैंस को दोनों स्टार्स से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन उन्हें निराश किया गया। मतलब वो उस टाइम पे भी नहीं जीत पाए, फैंस को लग रहा था कि ये दोनों जीत पाएंगे, फिन बैलर और जेडी मैकडाना, लेकिन वो हार गए वहां पे। बैलर और जेडी को चैंपियन बने हुए 72 दिन हो गए हैं और इतने दिनों में अभी तक उन्हें अपने टाइटल को दांव पर नहीं लाया है, दांव पर नहीं लगाया है। फिन और मैकडोना इस समय जजमेंट डे की डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ले के साथ चल रही स्टोरी लाइन पर ध्यान दे रहे हैं। हालांकि इसी बीच उन्हें अपने टैग टीम टाइटल को भी समय समय पर दांव पर लगाना चाहिए, मतलब किसी से मैच करना चाहिए, आगे किसी से मुकाबले का जिक्र करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे फैंस को लग रहा है कि मतलब कितने अच्छे चैंपियन होने के बाद भी कोई भी टकराव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ट्रिपल एच की बुकिंग की अमूमन तारीफ होती है, लेकिन उनका इस तरह से रॉ के टैग टीम डिवीजन को नजरअंदाज करना खराब चीज है। फैंस जरूर चाहेंगे कि फिन और जेडी लगातार टाइटल को दांव पर लगाएं। इस तरीके के शर्मनाक प्रदर्शन से जरूर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन का कद कम हुआ है। WWE वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन फिन बैलर ने फैंस पर साधा निशाना। फिन बैलर ने थोड़ी समय पहले ही सोशल मीडिया पर आकर एक भी बार टाइटल दांव पर नहीं लगाने को लेकर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने इसी भी WWE फैंस पर निशाना साधा और बताया कि वो स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब फैंस को नहीं बताना चाहिए उनको किस तरीके से काम करना है, वो एक स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। फिन ने पोस्ट डालकर एक चीज क्लियर कर दी कि
कि उन्हें चैंपियनशिप दांव पर नहीं लगाने का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा, चतुराई से काम कीजिए, कठोर मेहनत नहीं। चैंपियन के रूप में 72 दिन आप नीचे ये पोस्ट देख सकते हैं। वर्कर स्मार्ट नॉट हार्ड, 72 डेज चैंपियन, मतलब 72 डेज चैंपियन रहे, वो चैंपियन बनने के बाद उसको दांव पर नहीं लगा रहा है। किसी से मैच करेंगे, मैच फाइट होगी, अगर सामने वाला मैच जीतता है तो वो टैग चैंपियनशिप जो है, टैग जो है वो चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल चुपचाप उनका मामला चल रहा है, कोई फाइट्स नहीं, कुछ नहीं है ना। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा शर्मनाक प्रदर्शन देखने के लिए मिला दो रेसलर का, और फैंस को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि इतने अच्छे रेसलर्स होने के बाद, चैंपियंस होने के बाद भी कोई मुकाबले देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में मैंने आपको न्यूज और अपडेट दी कि डब्ल्यू लीग के दो चैंपियन का शर्मनाक प्रदर्शन, 72 दिन में जीरो टाइटल डिफेंस, मतलब कोई भी टाइटल डिफेंस नहीं किया, ट्रिपल एच ने किया नजरअंदाज। इसके बारे में आपको पूरी न्यूज दी, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर ऐसी ही न्यूज अपडेट वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके लिए एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव, वैल्यूएबल होती हैं और आपको एंटरटेन भी करती हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, पसंद आती हैं और मज़ा आता है, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड्स हैं, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग शो से संबंधित अलग अलग न्यूज और अपडेट्स देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट न्यूज़ और अपडेट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस में इंटरेस्ट है तो, क्योंकि आगे आपको और अच्छा अच्छा कंटेंट और न्यूज़ और अपडेट्स मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।